कैसे हो? आशा रखते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुप्रिया, मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ ब्यूटी लाइफ सुप्रिया के एक नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज संक्रांति है तो घर में जो बनेगा तो बनेगा ही स्वीट डिश, लेकिन बच्चों का डिमांड में ही मुझे भाग भाग के सुबह सुबह आना पड़ा दुकान पतंग खरीदने के लिए, क्योंकि कल जब हम दुकान में गए थे तब दुकान बंद था, लेकिन आज तो इधर सब पतंग उड़ा रहे, तो बच्चे दोनों बहुत सैड है। इसलिए मैं बोली चलो बाद में बना लूँगी, मैं पहले पतंग लेने के लिए जाते, तो अभी मैं जाती हूँ पतंग लेने के लिए। आशा रखती हूँ फ्रेंड्स आज का ब्लॉग ज़रूर आप सबको अच्छा लगेगा, तो मेरे साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, मैं बच्चों को लेके दुकान जा रही थी, उसके साथ और एक बच्चे भी आ गए, मेरे फ्रेंड की लड़की, तो वो भी मुझे बोली आंटी मुझे भी जाना है, लेकिन वो और मेरी बड़ी गुड़िया दोनों गई पार्क में। सिर्फ छोटी गुड़िया मेरे साथ गई है पतंग खरीदने के लिए, क्योंकि उसको ज़्यादा मन है पतंग के लिए। और अभी जो दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, हमारा सोसाइटी का मंदिर, आज के दिन ज़्यादातर लेडीज़ सुबह सुबह आके ही मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं फ्रेंड्स, और सबको प्रसाद भी देते हैं। ये देखिए मैंने भी प्रसाद लिया तिल गुड़। तो मैं प्रसाद खाने के बाद फिर गई दुकान के तरफ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं पतंग खरीदने के लिए, तो चलिए मेरे साथ, क्या क्या पतंग लेना है बच्चों को। बड़ी गुड़िया तो आई नहीं, बोले मम्मा आप आपका चॉइस से लेके आओ। फ्रेंड्स, हम पतंग खरीदने के लिए पहले एक दुकान में गए, लेकिन उधर का पतंग पसंद नहीं आया। अभी हम जा रहे हैं दूसरे दुकान में, इधर बहुत अलग अलग टाइप का पतंग है, और सबसे जो मुझे सबसे अच्छा लगा एकदम छोटा साइज का पतंग, लेकिन मुझे लग रहा है वो शायद कुछ डिज़ाइन वगैरह करने के लिए। ये देखिए कितना छोटा छोटा पतंग, तो इसको तो मैंने नहीं लिया। देखिए इधर कितना बड़ा बड़ा कलरफुल पतंग है, और नीचे भी बहुत बॉक्स के अंदर बहुत अलग अलग टाइप का कलरफुल पतंग है, तो इधर से ही मैं देख रही हूँ क्या लेना है। फ्रेंड्स, मैंने दो दो सेट लिया है, दो सेट मेरे लिए, दो सेट दीदी के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, बच्चों के लिए पतंग ले लिया। सुबह से जिद कर रही थी मम्मा चलो पतंग लेना है, तो आज तो पूजा का दिन है, मैं जस्ट सबसे पहले आई बच्चों के लिए पतंग लेने के लिए। सबसे पहले मैं बोल रही हूँ हैप्पी संक्रांति। तो अभी मुझे रोड क्रॉस करना है। इधर और एक मेंबर पतंग लेके जा रहे हैं उड़ाने के लिए। रुक, पतंग देखने के बाद मेरे बड़ी गुड़िया तो बहुत खुश हो गई, वो भाग भाग के आ गई अपनी बहन के पास और मुझे कहा थैंक यू मम्मा पतंग लाने के लिए। देखा फ्रेंड्स, इधर धीरे धीरे बहुत बच्चे आ रहे पतंग उड़ाने के लिए, थोड़ा टाइम पर पूरा भीड़ हो जाएगा इधर। मेरा तो कितने सालों पुराना, मेरा भी तो कितने ये तरफ भी फ्रेंड्स बहुत सारे बच्चे, लेकिन ये थोड़ा सा बड़े बच्चे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं। तो इधर भी बहुत सारा पतंग लेके बैठे हैं और मांझा लगा रहे, बहुत किसी का हाथ में मांझा है और वो बेटे के पास तो बहुत बड़ा मांझा है। तो मैंने पूछा कैसे होगा बेटा, बोले ये देखिए आंटी मेरे हाथ में कितना बड़ा मांझा देखा। मुझे लग रहा है ना फ्रेंड्स, मैं अगर खुद छोटी होती तो सबके साथ इकट्ठा मैं भी पतंग उड़ाने के लिए निकल जाती, इतना मेरा मन कर रहा है ना। और इतना कलरफुल सब पतंग है, इसका हाथ का मांझा देखिए फ्रेंड्स कितना मोटा है ना, ये बहुत शार्प होगा शायद। धीरे धीरे करके बहुत सारा बच्चे पतंग लेके आ गए, ये देखिए इधर भी और एक बच्चा आ गए, और मेरे दोनों गुड़िया पतंग खेलना शुरू भी कर दिया उसके फ्रेंड के साथ। फ्रेंड्स, हमारा बंगाल में आज का दिन तो पतंग उड़ाते भी है, और विश्वकर्मा पूजा के दिन भी पतंग उड़ाना पूरा ट्रेडिशन होता है। कोई बच्चे पोडियम के ऊपर के तरफ जा रहे, कोई नीचे के तरफ जा रहे पतंग उड़ाने के लिए फ्रेंड्स।
लेकिन पतंग सब बच्चे के हाथ में है। फ्रेंड्स, आज तो संक्रांति है ये, उसके साथ साथ यूथ फेस्टिवल भी चल रहे हैं हमारे घर के पास नासिक में, तो उधर तो हम आज जाएंगी क्योंकि कल हम गए थे कुछ खाए नहीं ऐसा, जस्ट देखा, लेकिन पूरा मैं कवर कर नहीं पाई फ्रेंड्स, लेकिन जितना देखा उसका बात का कवर मैं आज करूँगी और कुछ ना कुछ तो खाऊंगी तो ज़रूर। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, मैं फटाफट काम कर लेती हूँ क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ पतंग खरीदने की वजह से, क्योंकि इतना दुकान में इधर भीड़ है ना, और बहुत सारा दुकान बंद भी है इसकी वजह से ज़्यादा भीड़ है। ये देखिए फ्रेंड्स, आ गए मेरे दो अनमोल रतन। हाँ देखो, दो काइट तो किसी ने कट करके ले लिया, ये तो होता ही है आज का दिन, तो थोड़ा सा मन खराब हो गया मेरे दोनों बच्चों का। फिर बोल रहे मम्मा शाम को दोगे, ठीक है दूंगी शाम को। हाँ आज का दिन पतंग खेलने के लिए जाएगा तो थोड़ा बहुत तो ये उसका लेगा, वो उसको लेगा, ये तो कंपलसरी है ना फ्रेंड्स, लेकिन मन खराब होने से कुछ फायदा तो है नहीं, ये तो हो गई। मन खराब होने से लस्सी पीते दोनों का मन खराब है इसीलिए लस्सी लेके बैठ गए फ्रेंड्स, ऐसा कहा देखे हैं या सुने हैं आप लोग? देख लीजिए फ्रेंड्स, हम सब मेंबर रेडी होके बैठ गए। अभी जो मैं दिखा रही हूँ ये जम्मू कश्मीर से है, तो उधर से आके हमारे ये नासिक में कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा जो वहाँ का कल्चर है, फोक डांस, हमारा जो वहाँ का डांस कल्चर है उसको प्रेजेंट करेंगे हम। 13-15 के बीच में कभी अभी मैं दिखा रही हूँ जो स्टेट है पांडिचेरी से, तो पांडिचेरी से पूरा टीम में एक बार दिखा देती हूँ आप सबको। अभी मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड्स मध्य प्रदेश से ही, देखिए कितना अच्छा लुक करके आए, काउंटर इधर ओपन किया है, इधर ऑल ओवर इंडिया से जितना सारा पार्टिसिपेट आए हैं, वॉलेंटियर्स आए हैं, सबका इधर सुबह से लेकर रात तक का खाने का व्यवस्था किया गया हुआ है। इधर बड़ा सा रूम ओपन किया, ये जगह है बाहर स्टेट से जितना लोग आ रहे हैं इधर खाने के लिए बड़ा सा रूम बनाया। आप सर, आप लोग कौन से स्टेट से? हिमाचल प्रदेश। अभी दिखा रही हूँ जो स्टेट ये है महाराष्ट्र फ्रेंड्स, ये देखिए खुद का स्टेट का फ्रेंड्स टीम बना के सभी पार्टिसिपेट रिहर्सल कर रहे, सुनने में देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। फ्रेंड्स हम लोग 2-2.5 घंटे से घूम रहे लेकिन घर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहे, लेकिन जाना पड़ेगा, तो बाद में तो अभी भी बहुत दिन लगे रहेगा ये 16 तक, तो डेली हम आएंगे इतना तो मैं कह ही सकती हूँ और आप सबको मैं दिखाऊंगी। तो अभी जाते जाते जितना कुछ देख रही हूँ वो भी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, इधर फोटो सेशन हो रहा है। फ्रेंड्स आशा रखती हूँ आज का ब्लॉग ज़रूर आप सबको अच्छा लगेगा, मेरे ब्लॉग मेरे चैनल